हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे ही आप सभी भक्तों का प्यार बना रहे, यही ठाकुर जी से हमारी तो प्रार्थना है। तो भक्तों, मेरा नंबर है 7796560482। जिस किसी भक्त को कोई समस्या हो वो मुझे हमें बता सकते हैं इस नंबर पे, और फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही किसी एक भक्त ने हमें कांटेक्ट किया था, उन्हें कुछ समस्या थी तो उन्होंने हमसे मैसेज पे बात की। मुझे कहा कि मुझे वृंदावन धाम वास चाहिए, तो आप आपके कान्हा राधा जी के सामने हाजिरी लगाइए कि मुझे वृंदावन धाम वास मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है, हम लगा देंगे हाजिरी। अब मैं कुछ जानती नहीं थी, तब मैंने उनसे फ़ोन करने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की मेरे से। मैंने उनसे जब फ़ोन पे बात की तो उनके बारे में मैंने सब जानकारी ली कि कहाँ रहते हो आप, शादीशुदा हो, आपकी उम्र क्या है, ये सब मैंने पता कराया। तो मुझे पता चला कि वो लड़की है छोटी 19 साल की, तो उसके मन में ये भाव है कि उसे वृंदावन धाम वास मिले। लेकिन देखिए, यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जो अपना पूरा घरदार छोड़ के आ गए और बस बिहारी जी के साथ जुड़ गए, बिहारी जी के इसमें। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत ये गलत लगता है। अब मैंने उस बिटिया को समझाया कि बेटा, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आपके मम्मी पापा सब आपके साथ रहते हैं, तो क्या आपके मम्मी पापा सब यहाँ पे आना चाहते हैं, उन्हें भी वृंदावन धाम वास चाहिए? तो उसने तो नहीं कहा, बोला नहीं, मैं अकेली यहाँ पे रहना चाहती हूँ वृंदावन में। तो मैंने उसको यही बात समझाई कि दुनिया का कोई भी कोना हो जाए, कहीं भी आप चले जाओ, पाप तो होते ही होते हैं, भले ही वो वृंदावन हो या कोई भी धाम हो। इंसान की जो आदत है, जो पाप करने की जो ये क्षमता है इंसान में, जो है जो लोगों में, वो तो रहती है, वो आप कहीं भी चले जाओ। तो मैंने उससे यही कहा कि आपका यहाँ पे अकेले आना वृंदावन में और धाम वास करना, ये बहुत मुश्किल है एक लड़की के लिए। इधर आके रहना अकेले ये बहुत मुश्किल है, ये हमने देखा है। तो इसीलिए मैंने उसे थोड़ा समझा दिया कि आप जहाँ पे रहते हो, आपके पास आपके ठाकुर जी है, आपकी राधा रानी है, तो आप उसे ही वृंदावन बना दीजिए। आप ऐसे भाव मन में लाइए, ऐसे उनके साथ प्यार कीजिए अपने ठाकुर जी से कि आपको लगे कि आप वृंदावन में ही हो। और आप एक बात कर सकते हो कि ठाकुर जी से ये प्रार्थना कीजिए कि जब भी मेरी शादी हो तो मुझे वृंदावन में ही ससुराल मिले। आप अभी इधर आके अकेले रहने के लिए आप बोल रहे हो, इससे अच्छा तो आप मुझे ये कहिए कि आप ठाकुर जी के सामने ये हाजिरी लगाइए कि मुझे वृंदावन में ही ससुराल मिले। जब मैंने उनसे ये बात कही तो वो तो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, माता जी, मैं तो बहुत खुश हो गई आपकी ये बात सुन के कि मुझे वृंदावन में ससुराल मिल जाए, तो मैं तो बहुत ठाकुर जी का धन्यवाद मानूंगी। तो मैंने देखिए उससे यही कहा जो उनके मन में, बहुत से लड़कियां, बहुत से मैंने सुना है यहाँ पे लोग अपने घरदार छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन देखिए जो माँ बाप है, सबसे बड़े तो हमारे गुरु, सबसे ऊपर कौन है, हमारे माँ बाप।
जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, हमारी परवरिश की है, अगर हम उन्हें छोड़ के हम यहाँ पे आ जाए, अकेले उन्हें सब छोड़ छाड़ के आ जाए, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। माँ बाप का तो मन हमेशा बच्चों में ही रहता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या है, वहाँ पे ठीक ठाक तो है ना, और ऊपर से ये लड़की, तो माँ बाप तो हमेशा उसके ही बारे में सोचेंगे और वही चिंता में डूबे रहेंगे। तो ये क्या सही है? मेरे हिसाब से तो मुझे ये सही नहीं लगता। इसीलिए मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बेटा, अपने माँ बाप का दिल दुखा के, उन्हें तकलीफ़ में डाल के आप अगर यहाँ पे आओगे तो क्या ठाकुर जी भी आपसे खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोगों को लगता है कि हम ठाकुर जी की भक्ति में हैं, हमने तो सब छोड़ छाड़ के हम तो ठाकुर जी की भक्ति में आ गए। अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदार तो छोड़िए, अपने माँ बाप को, सबको हम छोड़ के यहाँ पे आ गए, लेकिन उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही है वो तो उन्हें ही पता है। तो इसलिए मैंने उनके मन को थोड़ा चेंज कर दिया, उनके मन को मैंने समझा दिया कि बेटा, आप उधर ही रह के आप ऐसे सोचिए कि मैं वृंदावन में हूँ, और अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए, उन्हें लाल लड़ाइए, उनके भजन गाइए, उनके पास उन्हें घुमाने लेके जाइए, आपको ऐसे लगेगा कि मैं वृंदावन में ही हूँ। और जब आपका टाइम आ जाएगा, जब आपकी शादी की उम्र आ जाएगी, तो देखिए ठाकुर जी ज़रूर आपको वृंदावन में ही धामवास देंगे, वृंदावन में ही आपका ससुराल होगा। तो जब मैंने ऐसे कहा तो वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा कि ठीक है आंटी, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, अब मैं ऐसे ही करूँगी। और वो अब हमसे जुड़ गई है और उनसे हम बात करते रहते हैं। तो देखिए, इस तरह जैसे उनके उस लड़की के मन में ऐसे इच्छा हुई, ऐसे काफ़ी और भक्त भी होंगे जो ऐसे सोचते होंगे। तो आप ऐसे सोचिए मत, आपको जब भी वृंदावन धाम पास चाहिए तो पूरी फैमिली के साथ आइए, जैसे हम आए, हमने हमारी बेटी को अकेले नहीं जाने दिया। जैसे जिया ने कहा हमें वृंदावन धाम पास चाहिए मम्मी, तो हम भी उसके साथ आ गए। तो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आपके घर वाले आपके साथ सब आ रहे, परिवार वाले आपके साथ सब आपको साथ दे रहे, तो ही आप उनके साथ वृंदावन आइए। नहीं तो अकेले अगर आप वृंदावन आ गए तो यहाँ पे भटक जाओगे, आपको कोई सहारा नहीं देगा। इसीलिए भक्तों, मैं आप सभी से यही चाहूँगी कि जो कोई जिसके मन में कभी ऐसे भाव उत्पन्न हुए, तो वो ज़रूर अपने भाव को चेंज कर दीजिए, और जैसे मैंने कहा कि आप जिधर रहते हो उसी को वृंदावन बना दीजिए। हर चीज़ पॉसिबल है, बस हमारे भाव होने चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।